समझते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर का कारनामा है? नो, इट इज कंप्लीटली ए कारनामा ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। वो हम उस बंदे को मुंह ही नहीं लगाते हैं जिसको बीएससी मैथमेटिक्स, उन लोगों के ख्याल में ये वो बंदा है जिसको कुछ समझ नहीं आई और इसने डबल मैथ ले लिया। आई डोंट थिंक सो। मैं आपको ये बता दूं कि नंबर वन पे मैकेट्रॉनिक, नंबर टू पे बीएससी मैथमेटिक्स, फॉलोड बाय ए मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और सम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स कैन बी, मैथमेटिशियंस कैन बी एन एक्सीलेंट artificial intelligence. Artificial intelligence is 70-80% mathematics and statistics. It's only 20% programming, you know that? Log samajhte hain ki artificial intelligence computer ka karnama hai? No, it is completely a karnama of statistics and mathematics. The data set, polynomial regression, linear regression, machine learning ki main baat karta hun. To ye sare ki sare mathematics hai. Jo sare concept of mathematics the, wo artificial intelligence mein. Programming itself bhi to mathematics hi hai na, 0 and 1 binary. Yeah, but I mean programming ab bahut superficial ho chuki hai. You have a lot of tools, you have a lot of snippets, you have pre-prepared languages jisme se aapne, for example, agar artificial intelligence ki programming karni hai to puri aapko library mil jayegi, usme se 8-10 aapne command access karne hai. Computer vision hai, jaise ki jo computer dekh ke artificial intelligence dekhta hai vision ke sath. वो ओपन सीवी पाइथन की स्क्रिप्ट है, सारा प्रोग्राम हुआ है, आपने कुछ रीड इन और रीड आउट के कमांड्स देने और वो आपके लिए, इट विल वर्क फॉर यू। सो प्रोग्रामिंग इन अ वे विल यू नो ट्रिकल आउट, कम होते जाएंगे बिकॉज स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज आ गई हैं, बहुत ज्यादा आ गई हैं। गिटहब है जैसे प्रोग्रामर, गिटहब तो कुछ और चीज है, वो तो एक, वो आपने कोड लिखना नहीं है, बने बनाए कोड्स हैं, बटन उठा के ड्रॉप करना है। नहीं इस तरह नहीं है वैसे, GitHub ऐसे ही है, ये इट्स अ फ्री सोर्स लाइब्रेरी। GitHub इज अ रिपोजिटरी, रिपोजिटरी पीपल, GitHub इज अ रिपोजिटरी वेयर पीपल शेयर व्हाट दे हैव डन, एग्जैक्टली, एंड देन पीपल कैन पिक अप एंड कंबाइन देम एंड यूज देम ओपनली एंड देन क्रिएट समथिंग बिगर, नो हार्डवर्क रिक्वायर्ड, डोंट हैव। GitHub भी पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का बिका था, एब्सोल्युटली, हां कॉमन आईडिया और फ्री फॉर ऑल था। सो खैर, सो तीसरी डिग्री क्या है? मेगाट्रॉनिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स एंड हार्डकोर। जो तीसरी डिग्री है वो मैं समझता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग मैं क्यों समझता हूँ, मैं खुद भी हूँ, बट व्हाई आई थिंक सो इज के कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विल नेवर एंड। जब तक इंसान जिंदा है तब तक बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, वो नेवर एंडिंग डिटेल है। सर्टन पार्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग शायद वो आउटडेट हो जाए, सर्टन पार्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे पर्सनली पसंद है दोनों, मेरे पास दोनों डिग्री हैं। तो दिस इज व्हाट आई लाइक। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ हार्डकोर डिग्रीज, मेगाट्रॉनिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स फॉलोड बाय सम डिग्री इन इंजीनियरिंग, एनी इंजीनियरिंग, थर्डली इट्स सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो प्रिमिटिव इंजीनियरिंग है, ये कभी भी नहीं फिगर आउट करेंगे, ये डॉक्टर की तरह है।